गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्यामंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसू के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज हम आठवीं क्लास के विज्ञान विषय का चौथा पार्ट हम डिस्कस करेंगे। आज का आपका टॉपिक रहेगा अध्याय छह, क्या लगता है पदार्थ धातु एवं अधातु। तो आप जानोगे क्या होते हैं पदार्थ, क्या होते हैं धातु, क्या होते हैं अधातु, क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है, किस प्रकार के सामान्य गुण प्रदर्शित होते हैं। तो इसको एक एक चीज को अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, बेसिकली सबसे पहले आपको ये जानना है कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ क्या होता है। पहले बढ़ा रखा है पदार्थ, तो पदार्थ हमें बस क्या हो जाती है, पदार्थ किसे कहते हैं सामान्य भाषा में, पदार्थ या द्रव्य, और इंग्लिश में बोलते हैं मटेरियल। कोई पदार्थ या क्या सामग्री है, क्या मटेरियल है, तो अपन पदार्थ उसे बोलते हैं। पदार्थ वह वस्तु या वह सामग्री है जो स्थान घेरती हो तथा उसका निश्चित द्रव्यमान, उसे अपन क्या कहते हैं पदार्थ कहते हैं। वह वस्तु या चीज जो स्थान घेरती हो तथा उसका द्रव्यमान निश्चित हो, उसे पदार्थ कहते हैं। दिमाग बात रही है, वह वस्तु ऐसी जो स्थान घेरती है, कहीं पर रखते हैं स्थान घेरे तथा उसका उसमें कुछ क्या हो द्रव्यमान, उसमें कुछ उसमें भार हो, उसे अपन सामान्य भाषा में कहते हैं पदार्थ। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और कण क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है तथा कण ही परमाणु कहलाते हैं। देखिए, आप क्या देखते हो, पदार्थ की विभाषा रूप से पदार्थ किसे कहते हैं, एक क्या विशेषता है। तो बेसिकली आपको ये दिमाग में रखना कि वह वस्तु या चीज जो स्थान घेरती हो तथा उसका द्रव्यमान निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं पदार्थ, क्या कहते हैं पदार्थ। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है तथा कण को ही आगे जाकर अपन क्या कहते हैं परमाणु, कण को ही आगे जाकर अपन क्या कहते हैं परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं, तो आपके दिमाग बात रहेगी। आगे देखिए, देखिए आगे आप देखते हैं कि पदार्थ की परिभाषा को कोई पूछे या पदार्थ किसे कहते हैं, तो आपको बेसिकली याद रखना कि वह वस्तु या से जो स्थान घेरती हो तथा उसका द्रव्यमान निश्चित हो, उसे पदार्थ कहते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और कणों को ही अपन आगे जाके क्या कहेंगे परमाणु। उदाहरण जैसे पानी, पत्थर, गैस, बहुत सारे जितने भी आपको दिखाई देते हैं वो सारे सारे क्या है पदार्थ है। आगे सेंटेंस, अगला सेंटेंस आप दिखाई दे रहा है कि क्या बताया जाता है, पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्था होती है। पदार्थ की मुख्यतः तीन प्रावस्था होती है। पदार्थ तीन अवस्था में एग्जिस्ट करता है, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में व गैसीय अवस्था में। अब आपको पूछा जा रहा है ठोस अवस्था क्या होती है या गैसीय अवस्था क्या होती है, द्रव अवस्था क्या होती है। ये एक प्रकार की अवस्था है, पदार्थों की क्या होती है अवस्था। जैसे आप ठोस देखोगे जो उनमें अवयव कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं, अवयव कण की बात करें तो अवयव कण क्या होते हैं बहुत पास पास होते हैं, और जिनके कारण उनमें अंतराणु दूरियां कम होती है, आकर्षण बल अधिक होगा, और वो क्या होते हैं कठोर होते हैं।
तो इनके बारे में आपने स्नातक क्लास में पढ़ा भी होगा और अवस्था के बारे में, पदार्थ की अवस्था के बारे में आपने पढ़ा भी होगा और वैसे हम इसको डिस्कस भी करेंगे। द्रव्यवस्था, द्रव्यवस्था क्या हो जाएगी? वो अवस्था जिसमें ठोस की तुलना में अवयवी कण थोड़े थोड़े दूर होते हैं तथा उनके मध्य का आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम तथा गैस की तुलना में अधिक होता है। इनका आकार तो अनिश्चित होता है परंतु आयतन क्या होता है? द्रव का निश्चित होता है। दिमाग बात नहीं, द्रव जितने भी बहने वाले जिसमें बहने का गुण होता है, जैसे पानी को आप गिराओगे, गिराने पर पानी क्या होगा? ऊपर से नीचे की ओर क्या होता है? बहता है। ढलान की ओर पानी में से क्या होता है? दुम्न करता बहता है। तो जिसमें बहने का गुण पाया जाता है वो क्या कहलाता है? द्रव्य होता है। दिमाग बात नहीं। और गैस आप जानते हो कि गैस में अवयवी कण बहुत दूर दूर होते हैं और उनके मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता है और वो आकर्षण बल न होने के कारण अवयवी कण दूर दूर फैले रहेंगे और इनका गैस का नहीं तो आयतन निश्चित होता है नहीं आकार निश्चित है। शायद किसी भी कंडीशन में कहीं भी आप रखोगे उसके अनुरूप आकार भी ग्रहण कर लेते हैं और प्रेशर ऊपर नीचे करने पर दाब बढ़ाने पर उनका आयतन में परिवर्तन हो सकता है परंतु ठोस का आकार निश्चित होता है। ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। तो सामान्य भाषा में आपको कहें वैसे आपका पढ़ रखा हो अपन भी आगे डिस्कस भी करेंगे फिर भी आपको मैं यहाँ पर जनरल बता रहा हूँ कि ठोस होते हैं कठोर होते हैं। आकार व आयतन निश्चित कठोर होते हैं तथा आकार व आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। दूसरी बात के और आपके तो इनके अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं अर्थात मैं इसकी सिंपल से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ तो ऐसा आप समझना इनके अवयवी कण ये होते हैं ना वो बहुत पास पास होते हैं जकड़े हुए होते हैं किसकी बात की जा रही ठोस की। एग्जाम्पल एग्जाम्पल पत्थर टेबल चौक जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे सारे क्या चौक भी एक प्रकार क्या है ठोस अवस्था पाए जाने पार्टिकल है। अब द्रव की बात करेंगे द्रव के आपके मुलायम क्या होते हैं मुलायम आकार और निश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित तो इनके अवयवी कणों की बात करेंगे तो अवयवी कण क्या होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं एग्जाम्पल जल दूध घी तेल जितने भी आपको याद आए जितने तरफ भी आप कोई भी लिख सकते हो। और गैस में क्या हो जाएगी गैस अत्यधिक मुलायम होती है तथा आकार व आयतन दोनों क्या हो जाएंगे अनिश्चित दोनों अनिश्चित हो जाएंगे। और उदाहरण जितनी भी प्रकार गैस एलपीजी गैस सीएनजी गैस या ऑक्सीजन गैस CO2 गैस बहुत सारी गैसों के उदाहरण आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि पदार्थ के बारे में आपको बात की जाए तो पदार्थ मुख्यतः तीन अवस्था में एग्जिस्ट करता है ठोस द्रव और गैस। तो इसकी सामान्य जानकारी मैंने आपको दी ठोस कठोर होते हैं आकार व आयतन निश्चित होता है एग्जाम्पल पत्थर टेबल चौक बहुत सारे और अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं जबकि द्रव में उनकी आप बाहरी स्थिति से देखो मुलायम होंगे तथा द्रव में क्या होता है बहने का गुण पाया जाता है ऊपर से नीचे की ओर ये हमेशा क्या होते हैं बहते हैं। आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है। जैसे आपने एक लीटर दूध शायद आपने एक बोतल में ले रखा हो शायद उसी एक लीटर दूध को आप किसी पात्र में ले लो या किसी भी पात्र में लोगे उसके अनुसार वो आकार ग्रहण कर लेगा परंतु क्या उसका वेट कम ज्यादा हो सकता है नहीं तो आयतन क्या बना रहता है हमेशा निश्चित बना रहता है। और गैस के बारे में मैंने बताया गैस भी मुलायम होती है आकार व आयतन दोनों अनिश्चित और अवयवी कण क्या होंगे बहुत दूर दूर फैले होते हैं। वैसे ये सातवीं क्लास में भी आपने पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ा होगा और वैसे आप अगले टॉपिक में भी लगभग डिस्कस करेंगे।
आगे देखिए तत्व। तत्व क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। तत्व उसे कहते हैं जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ पदार्थ क्या कहलाएगा? तत्व कहलाता है। तत्व के अंतर्गत तीन प्रकार के पार्टिकल आते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। अपन धीरे धीरे किस पे जा रहे हैं? अपने मेन टॉपिक पे, धातु और अधातु पे। तो देखते हैं धातु, अधातु और उपधातु क्या होते हैं। तो वैसे पहले तत्व की आपको परिभाषा दिमाग में रहे, और तत्व के अंतर्गत तीन प्रकार की कैटेगरी होती है, धातु, अधातु और उपधातु। अब आवर्त सारणी में आप देखते हैं तो आवर्त सारणी में धातु भी अलग होते हैं, अधातु भी अलग होते हैं और उपधातु भी अलग होते हैं, और इन सभी के गुणधर्म भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो पहले अपन बात करेंगे धातु और अधातु की। देखिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मैटर को रफ कर रहा हूँ और मैटर को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए आगे आप देखते हैं धातु, अधातु और उपधातु क्या होते हैं, क्या उनकी गुणवत्ता होती है, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अपन जैसे सामान्य धातु और अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों को पहले स्टडी करेंगे, और फिर बाद में रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर स्टडी करेंगे, और फिर पता लग जाता है कि ये धातु है और ये क्या है? अधातु। देखिए बेसिकली पहले मैं दो तीन उदाहरण दे रहा हूँ धातु जैसे। धातु के एग्जाम्पल की बात करें तो आप क्या बताओगे? लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, पीतल या कॉपर, एटीसी, ये साथ साथ अपने आसपास दैनिक जीवन में काम आने वाले पदार्थ हैं। वो साथ साथ क्या धातु, लोहे के कई पात्र होते हैं, एल्यूमिनियम के भी होते हैं, सोना चांदी अपना आभूषण के रूप में यूज करते हैं, कॉपर है, तो कई प्रकार के ऐसे आप जानते हो डायरेक्ट अंडर। अब ये सारे सारे क्या धातु, धातुओं के क्या गुण होते हैं और अधातुओं के क्या गुण होते हैं, उसको भी अपन डिस्कस कर रहे हैं। और अधातु उदाहरण जैसे आप पूछे तो अधातु के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जितने भी प्रकार की गैस हैं, चाहे नाइट्रोजन हो, कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, सारे सारे गैस हैं क्या होती है? अधातु। सारे सारे गैसें क्या होगी? अधातु गैस है। मैंने राइट शॉर्ट नाम लिखा गैस में सारी आगे नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन सारे सारे। उसका भी लकड़ी, कोयला, प्लास्टिक, रबर, इटीसी, बहुत सारे ये सारे क्या होते हैं? अधातु। अब धातु और अधातु को किसके आधार पे अलग अलग सेपरेशन करना रहा? तो आप जानते हो अपन धातु और अधातु किस प्रकार से अलग करते हैं। तो अपन स्टडी करेंगे धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, उनको एक एक शब्द समझेंगे, और फिर बाद में पता लगाते हैं कि ये दिया गया पदार्थ धातु है और ये दिया गया पदार्थ क्या है? अधातु। और उपधातु क्या होते हैं? धातु और अधातु दोनों गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। जब सामान्य अवस्था में तो अधातु होते हैं, परंतु विशेष परिस्थिति दी जाती तब वो धातु गुणधर्म प्रदर्शित करना शुरू हो जाता है, उसे कहते हैं उपधातु। दिमाग बात रहेगी। अब उपधातु का एग्जांपल से आपको मान लो पैसस, वैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा इसको, फिर भी एक बार एग्जांपल के रूप में दे रहा हूँ। उपधातु के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इंडियम, बहुत सारे। तो ये अलग अलग नाम आ रहे हैं, वो सारे सारे आवर्त सारणी में आपको पता है 118 तत्वों के खोज हो चुके हैं। उसमें कई धातु है, कई अधातु है, कई उपधातु है, कई प्रकार के रेडियो के तत्व है, तो बहुत सारे इसमें आप देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं धातु और अधातु के आइडेंटिफाई करने के लिए उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए
अपना टॉपिक रहेगा आज का धातु व अधातु के भौतिक गुणधर्म। धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं उनको एक एक चीज को विस्तार रूप से समझेंगे। देखिए फर्स्ट क्या पहले कि धातु होते हैं उनमें धातु को आप आघात करते करोगे पीटोगे पीटने पर क्या होता है पतली परत में कन्वर्ट हो जाते हैं, परंतु अधातु को पीटो पीटने पर क्या हो जाएंगे भंगुर प्रकृति होने के कारण से वो क्या हो जाते हैं टूट हो जाते हैं। जबकि धातु क्या होते हैं कठोर हार्डनेस होते हैं जिनको पीटने पर कितना भी पीटो टूटेगा नहीं, वो क्या हो जाएंगे पतली साधन में कन्वर्ट हो जाते हैं परंतु टूटने के इसमें गुणधर्म नहीं पाया जाता। तो पहले वैसे की बात करें कि धातु होते हैं धातु कठोर होते हैं तथा इसमें आघात प्रतिरोधकता आप स्वस्थ होंगे। धातु कठोर होते हो तो आपको दिमाग में आगे बात क्या होते हैं कठोर तो होते ही परंतु ये क्या पाई जाती है इसमें आघात प्रतिरोधकता पाई जाती है। आघात प्रतिरोधकता का मतलब यहाँ पे क्या हुआ धातु को पीटेंगे तो पतली सदर में कन्वर्ट हो जाएंगे, पीटने पर क्या हो जाएगा पतली सदर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं परंतु वो अपघटित नहीं होंगे भंगुर प्रकृति के नहीं होते कठोर होने की वजह से इसको आप पीटोगे तो क्या हो जाएगा आघात प्रतिरोधकता में सामान्य अर्थ क्या हो जाएगा धातु को पीटने पर पतली परत में बदल जाता है परंतु टूटता नहीं। अर्थात सोटो ग्रहण कर सकता है। एग्जाम्पल जैसे एल्यूमिनियम आप देखोगे एल्यूमिनियम को साथ कितना भी पीटो मगर कभी वो टूटेगा नहीं वो एकदम पतली सी बारीक सी प्लेट में कन्वर्ट हो जाएगा परंतु टूटने की कोई संभावना नहीं। सिल्वर गोल्ड आप देखा भी होगा कभी कभार खाने में जैसे खाने की रोटियां वोटियाँ पैकिंग आती है ना आपने देखा भी होगा वो तो एल्यूमिनियम टाइप की परत की परत होती है कभी कभार सिल्वर की होती है। मिठाइयों में अलग अलग प्रकार की परत लगाते हैं तो कैसे बनाते हैं सारा इसके डिपेंडेंट धातुओं में से गुण पाए जाने के कारण इस प्रकार से उसको इतना पीटो ताकि पतली बारीक से परत में कन्वर्ट हो जाते हैं परंतु टूटने का उसका कोई गुणधर्म नहीं होता है। तब एल्यूमिनियम की क्या बनाई जाती है पत्ते बनाई जाती है सदरें बनाई जाती है पत्थरे बनाए जाते हैं तो जितने भी प्रकार परंतु अधातु होंगे अधातु क्या होते हैं भंगुर प्रकृति के होते हैं और आघात प्रकृति गुण नहीं पाया जाता है। उनको थोड़ा सा भी आपने पीटा तो क्या हो जाएंगे टूट जाएंगे बिखर जाएंगे एक सेकंड में। तो ये पहला गुण किस में पाया जाता है धातुओं। तो पहले एक बार सभी को धातु को स्थिति कर लें फिर बाद में हम दूसरी बार अपन कर देंगे अधातु दिमाग बात रहेगी।
इसका पहले आप इसके स्वर ले लीजिए, फिर मैं मेट्रो को आगे बढ़ा। देखिए दूसरा गुण, दूसरा गुण अपने स्टडी कर रहे हैं धातुओं का। दूसरा भौतिक गुण क्या होता है उसको आप जानिए। देखिए आप देखते हैं धातु होते हैं वो क्या होते हैं, संकीले होते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में या लाइट की उपस्थिति में आप देखते हैं तो धातुओं को क्या होती है, समग उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, समग उत्पन्न होती है। जैसे स्टील के बर्तन आप देखते हो एकदम क्या होते हैं, समकते हैं। स्टील है, चांदी है, बहुत सारे कोई भी धातु को आप देखोगे तो उसमें क्या उत्पन्न होती है, समग। धातु को पीटने पर तार में प्रयोग किया जाता है। धातु को कितना भी पीटो परत में कन्वर्ट कर सकते हैं, तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, परंतु टूटने की संभावना नहीं होती है। दिमाग बात रहेगी, आप देखते हो तार के रूप में एल्यूमिनियम के तार, कॉपर के तार, तांबे के तार, चांदी के तार, अलग अलग प्रकार के पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं, आप जानते हो। और अर्थात हम क्या कह सकते हैं, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। इसका गुण तन्यता, दिमाग बात रहेगी। धातु उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, सुसालक होते हैं। धातु उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, सुसालक होते हैं। उसमें आप मान लीजिए प्रयोग के रूप में आपको देखना है तो बैटरी, बैटरी से दूसरे से आपने दो टर्मिनल से क्या किया, आपने वायरिंग की और बीच में आप इस प्रकार की एक ब्रेक लगा देते हो और वहां पे वायरिंग आपने कर रखी। फिर इसमें अलग अलग धातु के आप धातु के टुकड़े रखते हैं तब तो इसमें धारा प्रवाहित होती है, बल्ब जलता है और अधातु के बल्ब नहीं जलता है। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिकल के रूप में प्रयोग करके भी देख सकते हो कि मान लो गुरु पर आपने एक एलर की बैटरी और ये बल्ब और ये क्या है कुंजी, धारा प्रवाहित की। और जैसे आप सिस्टम ऑन करके कुंजी लगा के धारा प्रवाहित करते हो और यहाँ पे एक बार आपने लकड़ी रखी, एक बार धागा रखा, एक बार धातु रखा, जैसे लोहे की कील रख दी, चौक रख दी, एक बार प्लास्टिक का टुकड़ा रख दिया, पेन रख दी, तो फिर जिसमें आपके धारा प्रवाहित होती है वो साथ साथ क्या होते हैं, धातु होते हैं, और जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती वो साथ साथ क्या होते हैं, अधातु। तो आपको दिमाग बात रखनी, धातु और अधातु विद्युत का उसमें क्या होता है, सुसार होता है, दिमाग बात रहेगी। और लास्ट एक गुण इसका पांचवा गुण पाया जाता है धातु में, धातु ध्वनि उत्पन्न करते हैं। धातु को गिराने पर क्या उत्पन्न होगी, ध्वनि। तो अपन कह सकते हैं धातु में धातु ध्वनि को उत्पन्न करते हैं, करते हैं। तो इस प्रकार से आज आपने डिस्कस किया भौतिक गुण किसके बारे में पढ़े, सारे सारे धातुओं के भौतिक गुणधर्मों को आपने अध्ययन किया, तो इसका पूरा पूरा किसके स्वर ले लीजिए। कल आप पढ़ोगे अगले वीडियो में अधातुओं के क्या गुणधर्म होते हैं उसको आप डिस्कस करेंगे। अभी तक यदि गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलता रहेगा। आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।